हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है टाटा स्टील की तरफ से। वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग, इसमें टोटल आपको 13 तरह के पोस्ट रहने वाले हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी एंड सी दोनों तरह का पोस्ट लेकर आई हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 6000 के अप्रोक्स, यानी कि 6000 के करीब रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्म फी भी नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि आप जब ऑनलाइन करेंगे ना तो आपसे कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे बाकी की डिटेल्स के बारे में कि किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर अप्लाई करने का लिंक आपको चाहिए तो दोनों चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो करिए और अप्लाई कर लीजिए आसानी से। चलिए देखिए, इसके लिए जो एज की लिमिट है ना, 18 वर्ष से 40 वर्ष है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर इतने प्रकार के वैकेंसी है, अलग अलग टाइप की ओपनिंग है। तो इसके लिए अप्लाई का डेट क्या है, देखिए ये ऑलरेडी ये सब जो ऑनलाइन हो रहा है ना उसके बारे में मैं बता रही हूँ। बाकी आपको हर दिन उस वेबसाइट पर आप देखिएगा तो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग वैकेंसी हर टाइम आते रहती है। तो आप डेट अगर आपको उसका चाहिए तो जो मैंने अभी लिंक शेयर किया ना उसको हमेशा आप बीच बीच में ओपन करके देखते रहेंगे, तब आपको नई नई जॉब की अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल इतने पोस्ट के लिए है, जिसके लिए अप्लाई डेट क्या है, एज सून एज पॉसिबल। कोई लास्ट डेट नहीं दिया गया है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पोस्ट वाइज अगर बात करें ना तो पहला पोस्ट है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर का, सेकेंड पोस्ट है मैनेजर के लिए, थर्ड है सीनियर मैनेजर के लिए, फोर्थ पोस्ट है आपका ऑफिसर्स के लिए। देख पा रहे होंगे ये सब ग्रुप बी की पोस्ट है, साथ ही साथ कुछ ग्रुप सी की भी रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर के लिए है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट अकाउंट के लिए है। एट्थ आपका ऑफिसर, आई थिंक ये दो बार हो गया, टोटल आपका 12 टाइप का ही पोस्ट रहेगा। नाइन्थ आपका इंजीनियर की पोस्ट है, फिर टेक्नीशियन अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट। देखिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरह की वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है ना, जब आप अप्लाई करेंगे तो मैं जो वेबसाइट का लिंक दूंगी वहां पर क्लिक करके आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है ना कि आप फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप फ्रेशर है तो आप एक फिल्टर लगा दीजिएगा कि कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो जो फ्रेशर्स के लिए जॉब होगा ना वही आपके लिए दिखाएगा। साथ ही साथ आप वहां पर फिल्टर कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन को, जिसके तहत आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड ही जॉब की वैकेंसी आपको दिखा जाएगी। अदरवाइज आपको पता है कि टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मतलब हाई पोस्ट के लिए भी रहता है, एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए, तो वैसे में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप जाके वहां पर फिल्टर कर लीजिएगा, अपना जो एक्सपीरियंस है वो डाल दीजिएगा, क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल, जैसे कि इंजीनियर अकाउंटेंट टेक्नीशियन ये सब के लिए भी है, मैनेजर का वैकेंसी हो गया, स्टेनोग्राफर, तो अलग अलग तरह के है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा तभी अच्छे से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए रही बात की क्वालिफिकेशन क्या है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इतने प्रकार के पद है तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग ही होगा। जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, आईटीआई कर रखा है आपने, या फिर डिप्लोमा है, आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो सभी अपना अलग अलग तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तरीका वही होगा, बस आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई नाउ अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी, आपका पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन, फोटो अपलोड करना होगा, वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर वहां पर जांच करी जाएगी कि आपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया था क्या सच में आपका उतना क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वही सब चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। देखिए अप्लाई करने का मोड बार बार बता रही हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है,
इसका लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ऑनलाइन जल्द से जल्द अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। जॉब की लोकेशन ऑल इंडिया, देखिए वहां पर क्या होता है ना, लोकेशन भी आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप अलग अलग शहर में कहीं पे भी वैकेंसी वहां जाके करें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शहर के लिए अप्लाई करें तो वहां पर फिल्टर लगा दीजिएगा या फिर नियर बाय सिटी भी आप चूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। रही बात की सैलरी क्या होगी, देखिए फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है लेकिन उससे कम फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर पोस्ट वाइज बात करें ना तो शुरुआत में आपकी जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है उसके लिए आपको 32,000 आपकी सैलरी दी जाएगी। अलग अलग पोस्ट की है तो 64,000 तक भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सैलरी भी दी जाएगी। तो इस पोस्ट के बारे में आई होप कि आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। इसका जो बार बार मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ कि लिंक पे क्लिक करके अच्छे से डिटेल फिल करिएगा, वहां पर कुछ मिस्टेक नहीं करिएगा जिस वजह से कि आपको कॉल लेटर नहीं जाए, अच्छे से फॉर्म एकदम फिल अप करना है। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, इससे इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।